दोस्तों, हमारी तीनों सेनाओं के प्रमुखों की मीटिंग के बाद यह तय हो गया कि अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया से पहले पुलिस वेरिफिकेशन करवाना जरूरी होगा और पुलिस की तरफ से जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसे भर्ती के समय लेकर जाना होगा, तभी उसके बाद ही कोई कैंडिडेट भर्ती के आगे की प्रक्रिया में हिस्सा ले पाएगा। और इस प्रदर्शन के दौरान जिस भी कैंडिडेट के खिलाफ FIR हुई है या जिन्होंने भी सरकारी या गैर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, वो कैंडिडेट तो इस भर्ती में हिस्सा ले ही नहीं पाएंगे। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने यह बात साफ कर दी है। एक बार आप भी सुनिए आखिर उन्होंने क्या कहा। इसका ऐसा करा जा रहा है कि हर एक इंडिविजुअल जो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है वो अपना सर्टिफिकेट देगा, प्लेज करेगा कि उसने ना तो किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है। ये प्रावधान करा गया है। पुलिस वेरिफिकेशन 100%, कोई नहीं आ सकता फौज में विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन। तो अब अग्निपथ भर्ती के दौरान पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होगा, इसके लिए आपको कहां पर जाना होगा, पूरी प्रक्रिया क्या होगी और किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, आइए इन बिंदुओं पर विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, अब जब आप अग्निवीर की भर्ती में जाएंगे तो वहां पर बाकी डॉक्यूमेंट के साथ पुलिस वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट भी देखा जाएगा। यह सभी को बनवाना कंपलसरी होगा। इसके लिए आपको अपनी तहसील में जाना होगा, वहां पर क्लर्क जिन्हें हम बाबू भी बोलते हैं उनसे मिलना है और उन्हें बताना है कि आपको चरित्र प्रमाण पत्र या पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनवाना है और आपको इस तरह की एक एप्लीकेशन भरकर उन्हें देनी होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको अपना नाम, जाति, एड्रेस आदि चीजें भरनी है। इसके साथ ही इसमें साइड में एक फोटो भी लगाना होगा और कुछ डॉक्यूमेंट भी क्लर्क आपके देख सकता है और इस एप्लीकेशन के साथ लगाने को बोल सकता है, जिनके बारे में अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे। तो उसके बाद इस एप्लीकेशन को वहीं पर तहसील में आपको जमा कर देना है, जिसके बाद वहां के रजिस्टर में इसकी एंट्री करेंगे और फिर तहसील ऑफिस में एक लोक सेवा केंद्र होता है वहां से कैंडिडेट के नाम से एक एप्लीकेशन जारी की जाएगी जो कि फिर तहसील से आपके पुलिस थाने में आएगी या आप खुद भी तहसील ऑफिस से वह एप्लीकेशन लेकर थाने में जमा कर सकते हैं, जिसके बाद 2 से 3 दिन लगेंगे और पुलिस थाने में आपके रिकॉर्ड को चेक किया जाएगा। वहां के रजिस्टर में आपके नाम से एंट्री की जाएगी, जिसके बाद अगर आपके खिलाफ किसी तरह का कोई केस नहीं है, आप किसी तरह के लड़ाई दंगे में शामिल नहीं थे, आपका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है, तो वहां से आपके नाम का इस तरह का एक पुलिस सर्टिफिकेट बनाकर जारी किया जाएगा जिसमें नीचे पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर होते हैं। इस सर्टिफिकेट को आप पुलिस थाने से या तहसील में आने के बाद वहां से ले सकते हैं। तो पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान आपको कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ सकती है, वहां पर बाबू या क्लर्क इन डॉक्यूमेंट को चेक कर सकता है, जैसे कि आपको अपना आधार कार्ड लेकर जरूर जाना है, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र अगर आपके पास हो तो, और कम से कम 2 फोटो। इसके साथ ही एप्लीकेशन पर मोबाइल नंबर डालने को भी आपको बोल सकते हैं। तो इन डॉक्यूमेंट को अपने साथ लेकर जरूर जाए, बहुत बार चेक कर लिए जाते हैं, कई बार चेक नहीं भी करते। और दोस्तों, अगर किसी कैंडिडेट के खिलाफ किसी तरह का मुकदमा चल रहा है, किसी के खिलाफ FIR हुई है या किसी पुराने या नए केस में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है या कैंडिडेट किसी तरह के दंगे में, किसी तरह की सरकारी संपत्ति के तोड़फोड़ में इन्वॉल्व है या पहले रहा है, तो आजकल तो उस कैंडिडेट की तोड़फोड़ की पिक्चर्स को ही उसके आधार कार्ड से अटैच कर दिया जाता है, जिसके बाद ऐसे कैंडिडेट को पुलिस वेरिफिकेशन में समस्या आ जाती है और फिर अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया तो बहुत दूर की बात है, वहां तक तो वह कैंडिडेट जा ही नहीं पाएगा। तो इसलिए आप भारतीय सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे किसी भी प्रकार के दंगे फसाद में शामिल ना हो, उनसे दूरी बनाए रखे, अपनी भर्ती पर ध्यान दे, उसके लिए तैयारी करे। और दोस्तों, अग्निपथ भर्ती योजना से संबंधित अगर आपका कोई सवाल है तो आप बेझिझक हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा।